नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं काउंसलिंग के टाइम के ऊपर, तो हम उनको अपने पास मतलब संजो के रखें। तो जब मैं हमेशा आपको आप बताता हूँ कि 2 साल पहले मैंने तैयारी करवाई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए थे, तो उन्हीं का ही मैंने बहुत ढूंढे ये, तो मुझे मिल गए, है ना। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट को कौन कौन से कॉलेज मिलता है, और जब कॉलेज मिलता है तो किस तरह से दिखता है। ओके, तो इनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये देखिए पहले सबसे पहले, है ना। तो इनको मिला आपका, इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, और ये रैंक 1 है। सब कैटेगरी रैंक भी इनका 1 था, कैटेगरी रैंक भी इनका 1 था। ओके, उसके बाद मतलब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये मेडिकल के स्टूडेंट थे, नाम तो दिखाना थोड़ा सही नहीं रहेगा। ओके, तो जनरल EWS में ही आते थे। ओके, तो इस तरह से देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को मिला है, ऐसा लिखा हुआ आएगा, आएगा जिसको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लिखा हुआ आएगा, तो इस तरह से वहाँ पे आपको शो होगा। और जिनको धर्म लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिमला, तो यहाँ पे ब्लू कलर में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिमला। और जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता, तो लिखा होता है कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। फिर इसके बाद आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, आप यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर को जो आपका ये दिख रहा है, ये अलॉटमेंट लेटर है, इसको प्रिंट करवा सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म को भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर की मैं आपको एक छायाचित्र दिखाना चाहूँगा, ये है आपका अलॉटमेंट लेटर। उसमें आपको सब कुछ बताया गया होता है कि आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इतने से इतने तारीख को है, ये बस हो, बहुत कुछ इसमें बताया गया होता है। देखो यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 13 फरवरी 2021 यहाँ पे इन्होंने टेप दिया था, यहाँ पे 2022 आना था, और इसी के चक्कर में आपके इनके काउंसलिंग 2 दिन लेट हुए थे, मुझे आज भी याद है। तो कौन कौन से मार्कशीट चाहिए होती है ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास, 10th और प्लस टू की मार्कशीट चाहिए होती है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने करी होती है उसकी मार्कशीट चाहिए होती है, रिजर्व कैटेगरी जिनको भी SC ST OBC IPA क्या बोलते हैं का हैंडीकैप वाला IRDP वाला जो भी रहेगा उनको साथ में चलेगा, जो हिमाचली है उनको हिमाचली बोनाफाइड हम वहाँ पे शो करना पड़ेगा, जो बाहर के हैं उनको अदर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखो यहाँ पे जो इनका हाल ही में मतलब जिनका कोई गैप नहीं है, जिनका गैप होता है उनको करेक्टर सर्टिफिकेट कहीं और से बनवाना पड़ता है, और जिनका गैप नहीं होता है उनको कॉलेज वाले ही उनका करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे गैप है, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी अथोराइज एजेंसी से बना सकते हैं, चाहे वो, मैंने तो पंचायत का बनवाया था, मैं तो ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा, पंचायत का बनवाया था, बाकी कोई तहसीलदार SDM से भी बनवा सकते हैं। ओके, ऐसे तो कुछ ज़्यादा था नहीं, नौकरी तो आपको यहाँ पर लगनी रही है, तो पंचायत से भी चल पड़ेगा आराम से। बाकी EWS का सर्टिफिकेट होगा, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होगा, जो भी सर्टिफिकेट होगा आपको वहाँ से बनवाना पड़ेगा। जिन्होंने वाइब्स वाला लगाया है तो वो वाइब्स वाला सर्टिफिकेट बना दें, जिन्होंने वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन वाला बनाया है तो वो वार्ड ऑफ द एक्स सर्विसमैन वाला सर्टिफिकेट बनवा लें, जिन्होंने सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला सर्टिफिकेट लगाया होगा तो वहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला वो लगाएं, जो भी जिन्होंने भी सब कैटेगरी भर रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको दस्तावेज वहाँ पे उनको चाहिए। अच्छा जी, फिर होगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सरकारी नंबर पड़ता है तो आपको 5,000 रुपया फीस एडमिशन फीस के तौर पे वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है, और वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में यही 30,880 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं, और ये ऑनलाइन मोड के ऊपर ही आप सेंड करते हैं इनमें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके रहता है इनमें, बाकी फुल डिटेल यहाँ पे दे दी जाएगी, और सर्टिफिकेट आप बनवा रखें, वैसे तो टाइम मिलता है सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, लेकिन नहीं होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये चल पड़ेगा। ओके, बनवा लें मतलब टाइम से। तो ये हमारे टॉपर भी थे, और भी ये देखो भाई कितने स्टूडेंट थे हमारे, ये मैंने कोला जैसा बनाया था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी शिमला, तो ये हमारे बड़े बड़े स्टूडेंट थे जो कि लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट थे, ये देखो ये पूरा भर रखा है हमने, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंटों के यहाँ पे नंबर बने थे, और रैंक भी काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक थे, मेरिट रैंक वाला इस तरह से लिखा हुआ आएगा, मेरिट रैंक वाला पूरा कुछ आपको इसी तरह से फील होगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मुझे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताना था, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप सर्टिफिकेट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगेगा कि गैप सर्टिफिकेट लगता है, ये गैप सर्टिफिकेट तो के जगह पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, बस यही था जो भी था। ओके, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिक होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।